तो दोस्तों ये है TVS Ronin 225cc जो अभी अभी लॉन्च हुई है और इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं क्लियरली. दिस इज़ व्हाट मेक्स इट डिस्टिंक्ट. अब इस बाइक को आप क्या कहेंगे? इस बाइक को आप एक स्प्लेंडर कह सकते हैं, एक लाइफस्टाइल मोटरसाइकिल कह सकते हैं और अभी अभी ये लॉन्च हो चुकी है. प्राइस इसकी शुरू होती है 1.49 लाख से. इसका एक डिटेल रिव्यू भी हम बहुत जल्द आप तक लेके आने वाले हैं. मैं आपको एक पहली झलक दिखा रहा हूँ इस वॉक राउंड में. ये इसके टेल लैंप है जो बहुत ही स्लीक है LED की. यहाँ पे TVS की बैजिंग आपको मिल जाएगी और सीट आप देख सकते हैं इट्स क्वाइट ब्रॉड राइडर पिलियन के लिए भी जगह काफ़ी अच्छी है इसमें. और ये इसका फ्यूल टैंक है. और इंस्ट्रूमेंट पॉड जो है ये ऑफसेट पॉड है और काफ़ी डिटेल है. काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है, कनेक्टेड है, बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे. और ये इसका फ्रंट लुक एक बार और देख लेते हैं. दूसरा कलर है ये. इस तरह से ये इसकी हेडलैम्प है और ये आप नया लोगो देख सकते हैं इसका TT फॉर TVS. और ये Ronin का नया लोगो है और फुल LED हेडलैम्प. टर्न इंडिकेटर भी इसके एरो शेप में है एंड दिस इज़ हाउ दे ग्लो. काफ़ी स्टाइलिश टैंक भी है इसका. और इस तरह से Ronin की बैचिंग इसके साइड पैनल पे है. स्टाइलिश वे में इसका एग्जॉस्ट भी बना हुआ है. रियर टायर जो है 130 सेक्शन का है, 17 इंच के अलॉयज हैं ये. एंड ये ब्लॉक पैटर्न के टायर्स हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्रंट टायर जो है 110 सेक्शन का है, अगेन ब्लॉक पैटर्न. फ्रंट एयर रियर डिस्क है. इसमें आपको सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं. एक झलक डालते हैं इसके स्विच गियर्स पे. तो ये स्विच गियर है इसका. यहाँ से आप राइडिंग मोड चेंज कर सकते हैं. इसमें राइडिंग मोड्स भी आते हैं. ये इंजन किल स्विच है. यहाँ पे हैजर्ड वार्निंग का स्विच है. यहाँ पे स्टार्ट बटन है. हैंडल बार जो है इसका थोड़ा सा वाइड किस्म का है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टॉगल कर सकते हैं आप इसके IP पे. ये इसका IP एक बार और नज़र डाल देते हैं इस पर. ये अलग अलग राइडिंग मोड्स हैं जो आप चेंज कर सकते हैं. एंड ये जो राइडिंग मोड्स हैं ऑन द गो भी चेंज होते हैं. ग्रिप जो है ये वही है जो आपने अपाची में देखी हुई है और बार एंड्स भी यही हैं. और ये इसकी सीट पे एक और नज़र डाल देते हैं. आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ब्रॉड सीट है. और जैसे मैंने बताया कि जो प्राइस शुरू होती है इसकी 1.49 लाख एक्स शोरूम है. एक और झलक ले लेते हैं TVS Ronin की. इस तरह से दिखाई देती है. अब एक और ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें USD फोक्स आते हैं और सेगमेंट के सबसे बड़े यानी 41mm के इसके USD फोक्स हैं. ये आप देख सकते हैं. और जो इसका इंजन है ये 225cc का है. ऑफ कोर्स इसका परफॉर्मेंस कैसा है, चलने में कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इसके रिव्यू में जो बहुत जल्द आ जाएगा. ये एक फर्स्ट लुक है इस मोटरसाइकिल का यानी TVS Ronin का. और आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है, कि आप इस बाइक को ख़रीदना चाहेंगे, इसका आप वेट करेंगे या नहीं, ये हमें बताइए. एक और नज़र इसके एग्जॉस्ट पे डाल देते हैं. एक और चीज़ आप देखेंगे कि इसके जो स्टॉक्स हैं मिरर के, ये भी काफ़ी थिक हैं. और ये एक और कलर है इसका रेड. ये एक और झलक ले लेते हैं इसके रेड कलर की. इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जब इसे हम रिव्यू करेंगे बहुत जल्द.
तब तक कमेंट्स में आप बताइए कि आपको रॉनिन कैसी लग रही है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे। मेरे हिसाब से दिस लुक्स क्वाइट मस्कुलर और एग्जॉस्ट नोट तो इसका बहुत ही प्यारा है। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, एंड बहुत जल्द आएगा इसका डिटेल रिव्यू। तब तक के लिए बाय।